सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अगर आप शादाब खान के फैन हो तो गाइस इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत बड़ी गुड न्यूज़ शादाब खान की तरफ से। तो गाइस, वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी जरूर कर दो। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप सबको बताया कि शादाब खान के ऊपर जो है रेप केस फाइल किया गया था, एंड किसने और कब किया था वो अब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप सबको बताया कि यहाँ पर 6 जनवरी को शादाब खान की हियरिंग हुई थी, एंड वहाँ पर जो है शादाब खान को बेल नहीं मिली थी, उनकी बेल जो है रिजेक्ट कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद जो है इनके लॉयर अली काशिफ ने कहा था कि वो हाई कोर्ट में इनके लिए अपील करेंगे। तो गाइस, उसके बाद जो है शादाब खान की तरफ से कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद जो है आज #मुंबई न्यूज़ ने एक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किए, चलिए देखते हैं। तो गाइज, आप यहां पर कैप्शन में देख सकते हैं कि शादाब खान को मिल चुकी है इंटरिम प्रोटेक्शन बेल। तो गाइस, इस पोस्ट में जो है डिटेल में बताया जा चुका है कि शादाब खान को जो है बेल कब मिली एंड इनकी हेयरिंग कब थी एंड लास्ट हेयरिंग कब हुई एंड सब कुछ। एंड उन्होंने यहां पर यह भी बताया है कि जो है शादाब खान ने जो है एक सीनियर लॉयर भी अपॉइंट किया था आज। सब कुछ आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर फाइनली जो है शादाब खान को जेल से बेल मिल चुकी है। तो गाइज, ये न्यूज़ सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो गाइज, इसी पर रिएक्ट करते हुए इनकी वाइफ शालिनी ने भी एक पोस्ट की है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इनकी वाइफ ने लिखा है कि सब्र की उंगली पकड़कर हम इतना चले कि रास्ते हैरान हो गए। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो गाइज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के बाय बाय।